बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि नीलम की जगह, ब्लू सफ़र की जगह क्या एमेथिस्ट, जिसको हम नीली कहते हैं, पहन सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि सभी कहेंगे कि हाँ, आप एमेथिस्ट या नीली, ब्लू सफ़र और नीलम की जगह पहन सकते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ विरोध इसका? मैं हूँ विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स के बारे में। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र हमारा है, भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो है, ये आयुर्वेद से पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में बात करते हैं कि नाड़ी दोष की बातें करते हैं, प्रकृति की बातें करते हैं, तत्वों की बातें करते हैं। आप जल तत्व के हैं कि आकाश तत्व के हैं, आपका नाड़ी दोष है क्या, नाड़ी मतलब आपका मध्य नाड़ी है, आदि नाड़ी है, अंत नाड़ी है, आदि आदि। आपकी प्रकृति की विवेचना होती है कुंडली से, किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार चीज़ों से आप आनंदित होते हैं, किस प्रकार के चीज़ों से आपको गुस्सा आता है। तो आपकी जो पूरी स्वभाव, स्वमत, अपना जो भाव है, आपका खुद का जो भाव है, कुंड से पता चलता है। तो आयुर्वेद भी हमारा शरीर संरचना का विज्ञान है। जो पंचभूत शरीर है, इसका विज्ञान है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, एल्युमिनियम है, जिंक है, पोटासियम है, सोडियम है, इस प्रकार के जितने प्रकार के मिनरल्स और केमिकल्स हमारे शरीर में हैं, उसके बारे में आयुर्वेद के में बहुत सारी जानकारियां हैं। और आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी इस प्रकार जुड़े हुए हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। आयुर्वेद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की विधि बताता है। तो ये जो केमिकल्स मिनरल्स की बातें करता हूँ मैं, इससे जुड़ी हुई बातें हैं आज का टॉपिक का। ये जो कहते हैं कि नीली या एमेथिस्ट को आप ब्लू सफ़र नीलम की जगह पहन सकते हैं, मैं इसके लिए विरोध करता हूँ, क्योंकि जो मिनरल्स की संरचना है अलग अलग है। जो नीलम स्टोन है आपका ब्लू सफ़ेद, इसमें है एल्युमिनियम ऑक्साइड और इसमें है टाइटेनियम और इसमें है आयरन, जो कि आपको शरीर में का हिस्सा है, शरीर में ऑलरेडी विद्यमान है। तो शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए नीलम को पहनेंगे तो ये तीन जो बताया मैंने चीज़ें, इसको आपको शरीर को फायदा होता है। और ये जो नीलम स्टोन है, ये जो नेगेटिव आयोन्स हैं, क्योंकि स्टोन्स में रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये नेगेटिव आयोन्स को जो रिलीज करता रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम, आयरन, ये नीलम में ही पाई जाएंगी, नीलम में ही होंगी। यदि एमेथिस्ट पहन लेंगे, एमेथिस्ट में चीज़ें नहीं है, एमेथिस्ट अनिली जो कहते हैं हम लोग, उसमें ये जो केमिकल्स की बात मैं कर रहा हूँ, मिनरल्स की बातें कर रहा हूँ, उसमें ये नहीं है। ये है इशू, जब उसमें है ही नहीं, केवल रंग दिखता है, नीला की तरह दिखना या थोड़ा पर्पल दिखना, उसको मान लेना कि शनि के लिए काम करेगा एमेथिस्ट को, अनिली को, दिखने से उसमें गुणधर्म नहीं आते। जो आदमी, दो आदमी बराबर दिख सकते हैं, लेकिन एक में ज्ञान है, एक में कला है, दूसरे में कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए ऐसा व्यक्ति जो आपको, आप संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत जानता हो, हुबहू ऐसा दिखने वाला दूसरा आदमी कोई मिलता उलता हो, उसके संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, ये जो मैथमेटिशियन मानिए और गणितज्ञ है, वो साइंटिस्ट है, वो आपको संगीत कैसे सिखाएगा? तो जिससे जो चीज़ें हैं, वही चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल दिखने से, बराबर दिखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों कहते हैं बाकी ज्योतिष कि एमेथिस्ट को, नीली को आप नीलम की जगह पहन सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि आयुर्वेद में शरीर संरचना के बारे में जो बातें होती हैं, और जो साइंस में बातें करता हूँ, ये जो मिनरल्स की केमिकल से बातें करता हूँ, इससे तो मुझे ये समझ में आता है कि आप इस प्रकार से मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट को आप नहीं पहन सकते हैं। हाँ, कलर थेरेपी की बातें आप करते हैं तो हो सकता है कि ये कारगर सिद्ध हो। कलर थेरेपी एक अलग विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष से इसको मत जुड़िएगा। रंग विज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र का, से ये जो उपाय हैं, इससे मत जुड़िएगा। नवरत्नों से मत जुड़िए इसको आप, नवरत्न जो है नवरत्न ही रहने दीजिए आप,
और बाकी जो स्टोन्स और उपरत्न वगैरह हैं उनकी बात अलग है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पे शनि का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। ये मेरी अपनी मान्यता है, मेरी अपनी समझ के ऊपर में। आप अपने विवेक अपने समझ के हिसाब से काम कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसको मान लें। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मैं सोचता हूँ। आप यदि अलाइंड है मेरे थॉट के साथ में, इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइएगा। आपको समझ में नहीं आता है तो अपने हिसाब से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में और कुछ नई चीज़ लेकर आपको समझ प्रस्तुत होऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।